नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी दोस्तों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आ गया हूँ जिसकी मदद से आप जॉब ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है नेशनल कैरियर सर्विस, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आप दोस्तों 10th पास हैं, 12th पास हैं और आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो यह प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करेगा जॉब लेने में, जॉब के लिए अप्लाई करने में। तो क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कैसे आना है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से जॉब प्रोफाइल निकालना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं घर बैठे काम, यानी कि आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब भी मिलेगा नेशनल करियर सर्विस की तरफ से। बाकी ये जो प्लेटफॉर्म है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पे कोई आपके साथ स्कैम नहीं होगा। बाकी यहाँ पे दोस्तों 10th पास के लिए भी जॉब है, 12th पास के लिए भी जॉब है और ग्रेजुएट वालों के लिए भी जॉब है। आपको यहाँ पे दोस्तों अपने मन पसंदीदा नौकरी मिलेंगी, मतलब जो आप जॉब ढूंढ रहे हो जिस प्रकार का, सभी प्रकार का आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा। बाकी आप लोग पे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको डायरेक्ट कॉल करके बात करना हो जहां पे नौकरी निकाला गया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जिस सेक्टर में निकाला गया है, वहां पे आप बात कर सकते हैं। बाकी यहां पे एनसीएस का यहां पे भी हेल्पलाइन नंबर है, यहां पे भी आप कॉल कर सकते हैं। तो कैसे क्या करना है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग प्राइवेट सेक्टर का, गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही कमाल का होगा। एंड हां दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलने लगे। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे नेशनल कैरियर सर्विस की वेबसाइट पे आना है, जॉब का डिटेल देखना है, तो सबसे पहले आप ये आर्टिकल रीड कर लीजिएगा, क्योंकि इस आर्टिकल में काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको मेन मेन पॉइंट बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो जो यहाँ पे जॉब निकाला गया है, यहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब भी मिलेगा, बाकी यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का भी जॉब मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू आपका यहाँ पे जॉब देखने को मिलेगा, यहाँ पे नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के थ्रू देखने को मिलेगा। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल वैकेंसीज मिलेगा। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो यहां पे आपको ऑफिस वर्क, वर्क फ्रॉम होम जॉब, ऑल इंडिया के लिए जॉब देखने को मिलेगा। बाकी बात करें डिटेल ऑफ वैकेंसी पोस्ट के बारे में, तो यहां पे मल्टीपल वैकेंसीज है, मल्टीपल लोकेशंस पे, अप्लाई मोड यहां पे ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यहां पे इंडियन कैंडिडेट, मेल फीमेल बोथ, एक्सपीरियंस वाले और फ्रेशर कैंडिडेट सभी अप्लाई कर पाएंगे। एज के बारे में बात करें तो एज 18 प्लस मांगा ही जाता है, आपको पता है। सैलरी भी आपको वेरी गुड मिलेगा, अच्छा सैलरी मिलेगा अकॉर्डिंग आपके पोस्ट और यहां पे ऑर्गेनाइजेशन के रूल के हिसाब से। सिलेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन दोस्तों अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग हिसाब से होता है, मतलब वहाँ पे रूल के हिसाब से होगा। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। अप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो फ्री अप्लाई है, कोई चार्ज नहीं लगेगा यहाँ पे, आप किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करते हैं। तो अब बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको प्लेटफॉर्म पे आके कैसे जो प्रोफाइल निकालना है। सबसे पहला काम यह है दोस्तों, आपको अपने फोन में कोई भी ऐसा ब्राउजर ओपन करना है और सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना होगा पिक्सल टेक जॉब, PIXEL पिक्सल TECHTECHJOB इतना टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे पिक्सल टेक जॉब सर्च करेंगे तो टॉप पे वेबसाइट आ जाएगा, पिक्सल टेक जॉब डोमेन नेम भी देख सकते हैं, pixeltech12.blogspot.com, इसी वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे, जहाँ पे दोस्तों आपको NCS के रिक्रूटमेंट के बारे में आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस आर्टिकल में दोस्तों आपको NCS के रिक्रूटमेंट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल जाएगा, जो कि आपको अच्छे से रीड कर लेना है। यहाँ पे आपको सारा जानकारी मिलेगा जो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो आप लोग ये पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डायरेक्ट अप्लाई का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आर्टिकल पढ़ने के बाद अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे देखो अप्लाई का लिंक है, इस पर क्लिक करना। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई के लिंक पे क्लिक करेंगे ना, तो आप लोग रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पे, नेशनल कैरियर सर्विस की वेबसाइट के पेज पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये लॉन्च किया गया है वेबसाइट नेशनल कैरियर सर्विस NCS, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों ये जो पोर्टल है, वेबसाइट है, ये आपको यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर से जॉब देखने को मिलता है, यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके मदद से, इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिवेट एम्प्लॉयर कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है, ठीक है। और नीचे की तरफ देख सकते हैं एक्टिवेट वैकेंसीज कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, ठीक है। तो अब इस पेज पर आने के बाद कहाँ से जॉब निकलेगा मैं आपको बता देता हूँ, इस पेज पर आने के बाद कैसे जॉब निकलेगा, कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, सिंपल सा काम है, यहाँ पर आने के बाद देखो यहाँ पर फाइंड जॉब्स का यहाँ पे बटन है, यहाँ पे देख सकते हो बॉक्स है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है कि आपको कैसा जॉब देखना है। जैसा कि मैंने बोला कि हम यहाँ पे देखेंगे वर्क फ्रॉम होम जॉब, जो कि हम घर बैठे आसानी से कर सकें, हमें कहीं पे जाना ना हो। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम।
जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम टाइप कर लेते हो, टाइप करने के बाद यहाँ पे देखो सर्च का आइकॉन है, सर्च का बटन है, इस पर क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पे दोस्तों वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड रिक्रूटमेंट होगा, वैकेंसी आया होगा यहाँ पे दोस्तों NCS पोर्टल पे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है, 13 पेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं वर्क फ्रॉम होम कॉलिंग नंबर भी दिया गया है, डायरेक्ट आप कॉल पर बात कर सकते हो। कंपनी नेम MJ ट्रेडर्स करके है, ऑल इंडिया लोकेशन है। सैलरी भी देख सकते हो पर एनम कितना मिलेगा आपको यहाँ पे दोस्तों, कितना पर एनम सैलरी मिल सकते है दिया गया है। देख सकते हो 2 लाख से 3 लाख रुपए पर एनम सैलरी। और नीचे की तरफ देख सकते हो जॉब का डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल है। और देख सकते हो ये भी वर्क फ्रॉम होम जॉब है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, इस पर कॉल करके बात कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइपिंग वर्क है, जैसा कि मैंने बोला था कि आपको यहाँ पे सभी प्रकार के वर्क मिलेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइपिंग वर्क है और कंपनी नेम दीपा करके है, जॉब लोकेशन ऑल इंडिया है। सैलरी पर एनम कितना होगा, वर्क टाइपिंग वर्क है, वर्क फ्रॉम होम जॉब है, यानी कि घर बैठे आप ये काम कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आएंगे ये भी वर्क फ्रॉम होम जॉब है, ये भी वर्क फ्रॉम होम जॉब है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपको डायरेक्ट कॉलिंग नंबर मिल जा रहा है, तो आप डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हो। और हाँ, ध्यान रखना कि अगर आपको कभी भी कोई पैसा मांगता है, ऐसा बोलता है कि हमें इतना पेमेंट करो तब आपको जॉब मिलेगा, तो पैसा वैसा कहीं पे नहीं देना है क्योंकि फ्री में जॉब मिलता है, कहीं पे चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। बाकी नीचे की तरफ देख सकते हैं ऐसे ऐसे करके मल्टीपल्स ओपनिंग यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं जॉब के लिए, कंफर्मेशन करना चाहते हैं कि भैया जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो डायरेक्ट इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर भी इन्होंने दिया है कर सकते हो, बाकी यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। देखो मान लीजिए ये जो जॉब है यहाँ पर देख सकते हैं टाइपिंग वर्क फ्रॉम होम है, कंपनी नेम दीपा होने वाला है, जॉब लोकेशन ऑल इंडिया है, पर एनम सैलरी दिया गया है, स्किल्स रिक्वायर्ड में टाइपिंग स्किल्स मांगा गया है। अगर इसके लिए अप्लाई करना है, इस पोस्ट का डिटेल देखना है, तो यहां पे ऐसा क्लिक करना। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे ना, तो आप लोगों के सामने जॉब का पेज आ जाएगा, यानी कि जॉब का प्रोफाइल आ जाएगा, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल जाएगा। कंपनी नेम, ऑर्गेनाइजेशंस दिया गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं एरिया क्या होगा, जॉब का डिस्क्रिप्शंस भी मेंशन किया गया है, जॉब का रोल क्या होगा, सेक्टर क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं IT एंड कम्युनिकेशन है, जॉब टाइटल है, और यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट अप्लाई भी दिया गया है। देख सकते हैं लास्ट डेट अप्लाई कब का है, नंबर ऑफ ओपनिंग 108 लोगों का जरूरत है टाइपिंग वर्क करने के लिए, पोस्टेड डेट है। और नीचे की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर सारा डिटेल है, मिनिमम क्वालिफिकेशन भी दिया गया है 12th पास, 12वीं पास है तो एलिजिबल है, अप्लाई कर पाएंगे। किसी किसी पे तो यार 8th पास भी मांगते हैं, 10वीं पास भी मांगते हैं, तो यहाँ पे 12th पास है, आप देख लीजिएगा। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो अप्लाई का बटन है, बाकी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट नंबर पे इनके, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, तो यहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करना। जैसे ही दोस्तों आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने अप्लाई का फॉर्म आएगा, मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे आपको साइन अप करना है, फिर आप लॉग इन करके अप्लाई कर सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग यहाँ पे नेशनल कैरियर सर्विस के थ्रू जॉब देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ जाओ। आप गूगल करके भी आ सकते हो, डोमेन नेम आप देख लो, www.ncs.gov.in है डोमेन नेम, आप देख लो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह भी मिल जाएगा। अब देखो इस वेबसाइट पे आने के बाद क्या करना है, मैंने पहले भी बताया बट रिपीट कर देता हूँ क्योंकि काफी लोग समझ नहीं पाते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद नीचे आना, अब यहाँ पे आपको टाइप कर देना है अपना स्किल्स, अपना टाइटल, मतलब किस टाइप का जॉब ढूंढ रहे हो, यहाँ पे सर्च कर सकते हो। बाकी नीचे की तरफ आप देख सकते हो, नीचे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट जॉब्स भी यहाँ पे दिया गया, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो जो गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो हमने क्लिक किया, अब थोड़ा सा वेट करना है, और जैसे आप वेट करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आ गया है, आप देख सकते हो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का जॉब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं नेशनल हेल्थ सिस्टम्स करके कोई जॉब है, यहाँ पे निकाला गया इसके थ्रू। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्टी जनरल मैनेजर का जॉब है, जो कि यहाँ पे THDC इंडिया लिमिटेड कंपनी में निकाला गया है। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान स्टील वर्कर्स का भी यहाँ पे इस कंपनी में जॉब निकाला गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिविल मैकेनिकल का। बाकी नीचे की तरफ आप देख सकते हैं विजुअल इफेक्ट्स एक्सपर्ट का भी जॉब निकाला गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसे ऐसे करके यहाँ पर बहुत सारा जॉब है। तो यार ये जो नेशनल कैरियर पोर्टल है ना, ये बहुत ही बेस्ट है आप लोगों के लिए। अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, इस पोर्टल पर आइए और मनचाहा जॉब आप लोग यहाँ पर ढूंढ सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं, फ्री में कोई चार्ज नहीं लगेगा। और यहाँ पर जो भी जॉब पोस्ट
होते हैं, जेन्युइन होती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया वेबसाइट है, तो यहाँ पे कोई चीट ऐसा फ्रॉड नहीं होता है। बाकी इनका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का जॉब ढूंढना है तो सर्च बॉक्स में आप जिस टाइप का जॉब सर्च करेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट वर्क फ्रॉम होम भी सर्च कर सकते हैं तो आपको जॉब देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार आपको नेशनल कैरियर सर्विस के थ्रू जॉब के लिए अप्लाई करना है, जॉब ढूंढना है। बाकी कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो चाहते हो जिसमें मैं बताऊं कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे फॉर्म भरना होता है, तो कमेंट करिएगा। एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगा जिसमें आपको अप्लाई करना भी सिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप करके। बाकी इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नए जॉब अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।